सोच फिक्र में आज रात में नींद कती ना आई रहिंद में काटे गऊ ने कसाई रे सोच फिक्र में आज रात में आज रात में नींद कती ना आई रहिंद में काटे गऊ ने कसाई। वो कसाई हिंदू नहीं हो सकते जो अपनी गौ माता को उपरारा चलाते हैं, जो जगह जगह सब काम करते हैं उनको रोकना होगा। पहली कली में क्या लिखा और क्या विनती की, हत्ते खुले इन्हें तुम तुरवाओ रे, को सेवा आयोग साथ में मदिल में घबराओ रे, को होते हो बंद भारत में न्यू आवाज उठाओ रे, तेरे गौ की खातिर मर मिट जाओ, गौ की खातिर मर मिट जाओ, सारी हो जा सफल कमाई रे हिंद में काटे गऊ ने कसाई। सेवा के खिलाफ था, गोपालन के खिलाफ था, एक बैल को पेड़ से बांध दिया सजनों और कहा भाई अगर ऐसा फुल जात जुलानी वाला होगा तो 12 घंटे के अंदर इस बैल ने छूटा ले जाएगा। ये बताते जब अरफुल को पता चला, उसने तो 12 घंटे का नाम लिया था, इखा के खेत होया करते जड़े बड़ बांध रखा, मतलब 12 घंटे में आ जाएगा तो ठीक से, ना इसने फांसी तोड़ देंगे ना फूक देंगे। जब यह बात अरफुल को पता चली नु बताओ है 2 घंटे को ना लगन दिए, अकेला शेर पहुंच जाता है, आज जितने भी उसके तस्कर थे उसके साथी से सबको मार गिराया सजनों। ऐसे ऐसे गौ सेवक हमारे हिंदुस्तान में हुए। दूसरी कली में क्या उदाहरण दिया, क्या कहा, आला जिसने हथे तुड़वाए थे रंगर पत्र बदमाशा के, दर्द सिर उठाए थे गोली लाठी तलवारा तो दर्द सिर उड़ाए थे, अरे एक चोट पे जाट जामने, एक चोट पे जाट जामने को धूल चटाई रहिंद में। गाय माता की संख्या नहीं रही जो रोजाना कटती है। ऐसे महान पुरुष जिनको हरियाणा में कमान सौंपी गई है भानी राम जी मंगला, इनके प्रयासों से उन तस्करों के हौसले बहुत कम हुए हैं और खत्म होने जा रहे हैं। गौ सेवा को बढ़ावा मिला है। ऐसे ऐसे महान पुरुष जब आगे होकर चले तो डर किसी चीज का नहीं। क्या कहा, नहीं 2-3 नहीं कट लाखों रोज गौ माता, राज भी मारा पाठ भी मारा फिर भी कटे गौ माता, गौ माता जन नहीं बची तो नहीं बचा भारत माता, गौ माता जन नहीं बची तो नहीं बचा।
समय लकड़ जा बात जगड़ जा गुरु ने भगत सिंह न रोओगे नेताजी सुभाष बोस ने मुद्दे पर पलट होगे फिर काबू में बात रहे ना सुखा दुख बिलोगे मेरे हरियाणे में गौ सेवा की हरियाणे में गौ सेवा की भाई राम ने कसम उठाई रही काटे गऊ में कसाई सोच फिक्र में हरियाणा रोडवेज से हिम्मत सिंह जी 100 रुपए से गौ सेवा स्वरूप मान सम्मान करते बार बार धन्यवाद। और आखिरी में पंडित जी ने क्या लिखा है कि भाई जो यो हॉस्पिटल खोल रहा है सबका सहयोग जरूरी है, बिना भाईचारे बिना सहयोग कुछ नहीं होता। आखिरी गली में क्या कहा कैसे मैं ये चाहूंगा एक बार पंडित जी खड़े हों जिन्होंने बड़ी अच्छी रचना लिखी है गौ माता के ऊपर। हमारे बीच में पंडित जी बैठे साहब, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। नाता मैंने देखा है आजकल उल्टे पुल्टे गाने तक किसी ने फुर्सत नहीं, ऐसे महान पुरुष और साथ में श्रीमान भानी राम जी मंगला, इनके कामों से बढ़ावा मिलता है, हमारे जैसे तुच्छ कलाकारों को मौका मिलता है आपके बीच में बताने का और सुनाने का। आखिरी कली में यहाँ की हालात बताई कैसे क्या कहा। मेडिकल खुल रहा दादरी रोहतक रोड पे, बाबा न्यारम दास समिति बस अड्डा कमोद पे, गौ सेवा का आशीर्वाद सुरेश चंद्र गोड पे, गौ सेवा का आशीर्वाद गौ सेवा का परण उठाओ, गौ सेवा का परण उठाओ सारे भाण और भाई। गौवा का मेडिकल खुल रहा दादरी रोहतक रोड पे, करे बाबा न्यारम दास समिति सेवा बस अड्डा कमोद पे, गौ का आशीर्वाद रहे सदा सुरेश चंद्र गोड पे, गौ सेवा का प्रण उठाओ तुम सारे भाण और भाई, सोच फिक्र में आज रात ने नींद कती ना आई। ये तुरंत की रची हुई रचना आपके बीच में हमने कोशिश करी सुनाने की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष धन्यवाद हमारे अतिथि का जो कीमती समय में से हमारे बीच में आए। बोलिए गौ माता की जय। मंगला जी ने बताई थी सेवा हो गौ माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अचीना 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं सतवीर जी का, बार बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।